एक आदमी मुझसे मिला वो सिरसा डेरे का प्रेमी था मैंने उससे पूछा कि भाई जिस व्यक्ति को जघन्य अपराध में रेप के दोष में सजा मिली हुई है उम्र कैद की उसका अनुसरण करने में अनुकरण करने में क्या समझदारी है उसने मुझे जवाब दिया कि साहब देखिए डेरे में जो साधु रहते हैं आश्रम में रहते हैं उनको भूख लगती है तो रोटी कहाँ से खाते हैं डेरे से ही खाते हैं ना प्यास लगती है पानी कहाँ से पीते हैं वो भी डेरे से पीते हैं शौचालय जाना है कहाँ जाएंगे? डेरे में ही जाएंगे ना तो उनकी शारीरिक आवश्यकताएं जो हैं बायोलॉजिकल अर्जिस जो हैं वो बाहर कहाँ से पूरी होंगी वो भी डेरे में से होंगी तो मैं हंसा कि इस ने अपराध का जस्टिफिकेशन क्या दे रहा है लेकिन इसके पीछे उसकी आस्था बोल रही थी इस आस्था को मैं अंधी आस्था कहता हूं अंधविश्वास कहता हूं सूफियों की दरगाहों में हिंदुओं के विशेष रूप से बैरागियों के डेरों में स्त्री का प्रवेश वर्जित था अभी भी है मैं उसके भी विरुद्ध हूं ये ठीक है उन लोगों ने महापुरुष थे सोचा होगा कि बीमारी की जड़ें न पैदा होने दो बीमारी कहाँ से आएगी उनके पास उनके शिष्य रहते थे जो अंडर ट्रेनिंग होते थे तो इन लोगों की दृष्टि पड़ेगी किसी स्त्री पर मन भटकेगा तो आने ही मत तो स्त्री को मैं इसके विरुद्ध इसलिए था कि इस जो कामुकता है आदमी की उसकी सजा औरत को क्यों दे रहे हो उसका क्या दोष है तुम साधु कैसे हो अगर तुमने अभी तक अपने मन को वश में नहीं किया अपनी कामनाओं को वश में नहीं किया विशेष रूप से अपने काम को अपने वश में नहीं किया खैर नहीं है ये तो अलग बात हुई मैं आस्था की बात कर रहा था अंधी आस्था की अंधविश्वास की बात कर रहा था पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था ये आस्था शुरू कैसे हुई थी आदि मानव जो था उसको ना परमात्मा का पता था ना वो परमात्मा के बारे में सोचता था ना उसको कोई समझ थी सृष्टि क्या है लोग क्या हैं, संसार क्या है तो वो अपने में मस्त था लेकिन कुछ चीज़ें उसे डराने लगी आग ने डराया पानी ने डराया जानवरों ने डराया सांप बिच्छू ने डराया तो जब वो डरने लगा और वो ठीक डर रहा था जंगल में पेड़ पेड़ से पेड़ घिसता है तो सारे जंगल को आग लगा देता है कोई लगाने थोड़ा जाता है बाढ़ आती है तो सब कुछ बहा के ले जाती है वो तो डरना ठीक भी था तो डरने लगा तो उसकी समझ में आया कि इनको प्रार्थना करो कि शांत रहो हम पे कृपा करो यहाँ से आस्था शुरू हो गई आज भी हम किसी न किसी रूप में यही आदिकालीन परंपरा को लिए फिर रहे हैं आज भी हम जब शांति पाठ करते हैं तो क्या कहते हैं ओम देव शांति अंतरिक्ष घुम आसमान शांत रहे शांति पृथ्वी जमीन शांत रहे शांति रापाह पानी शांत रहे शांति औषधिया शांति वनस्पतिया ये आज भी हम कह रहे हैं तब भी कहा था लेकिन वहाँ आज हम आस्था से नहीं कह रहे हैं आज हम परंपरा से कह रहे हैं संस्कार से कह रहे हैं जो संस्कार हमें माँ बाप ने समाज ने दे दिया उसमें हम करे जा रहे हैं लेकिन आस्था जब शुरू हुई और फिर जब संसार बढ़ा प्राणियों की संख्या बढ़ी एक दूसरे के संपर्क में आने लगे तब फिर वो अपने भय को किस प्रकार से उन्होंने मा, मानसिक रूप से कैसे काबू किया है वो बताने लगे कि प्रार्थना और इनको अर्पण बाढ़ आई है उसको चावल चढ़ा दो आग रख जल रही है तो उसमें घी डाल दो समझी सम जो भी है उस समय तो सम ये नहीं होगा समझा, जो भी है डाल दो तो उनको दे दो बिना सोचे हुए कि जिसको हम जो दे रहे हैं वो उसको ले लेगा और ले लेगा तो उसका करेगा क्या लेकिन हम अपने मन की शांति के लिए वो सब करने लगे फिर धीरे धीरे जब और जनसंख्या बढ़ी और लोग इस प्रकार से सोचने लगे विचार करने लगे फिर उनके सामने अनेक प्रश्न आ गए वो प्रश्न आज भी हैं और उन प्रश्नों का उत्तर न तब मिला था न आज मिला है ना कभी मिलेगा प्रश्नों का उदाहरण दे देता हूँ परमात्मा कौन है क्या है है कि नहीं है है तो क्या सबूत है इसका और नहीं है तो फिर मेरे कष्ट कौन दे रहा है फिर बाढ़ कौन ला रहा है फिर जंगल में आग कौन लगा रहा है अगर है और नहीं है तो फिर बताए कोई और फिर मैं क्या हूँ फिर विचारवान लोगों ने बताया कि सृष्टि कैसे बनी तो एक विचार ने कहा कि आदम और हव्वा मनु और श्रद्धा एडम एंड ईव ये सब उसी के नाम है ये स्वर्ग में रहते थे और वहाँ एक पेड़ था जिसको सेब लगते थे तो भगवान ने मना कर रखा था कि सेब नहीं खाना तो इनका मन लटराया और इन्होंने सेब खा लिया क्रोध में आके ईश्वर ने इनको धरती पर फेंक दिया अब यहाँ से फिर एक प्रश्न उठ के खड़ा हो गया कि स्वर्ग में इंसान रहते थे स्वर्ग में पेड़ हैं उनको सेब लगते हैं और मना करने का कारण क्या था और फिर जब उनको धरती पे फेंक दिया तो इसका मतलब है पहले धरती बना चुका था परमात्मा जब भी उस पर फेंका और धरती बना चुका था फिर नदियाँ पहाड़ तालाब पेड़ पौधे पशु पक्षी सब बना चुका होगा फिर वो प्रथम पुरुष कैसे हो गया अब ये भी प्रश्न है इस प्रश्न का भी कोई उत्तर नहीं है एक और विचार आया सामने कि ईश्वर ने अपनी छवि देखने के लिए सृष्टि बनाई है अपना जलवा देखने के लिए उसकी इच्छा हुई कि मैं अपना स्वरूप देखूं, तो उसने अपने अंशों को बाहर निकाला और उनसे कहा हो जाओ अरबी में कहते हैं कुन कहा हो गए बन गए जिसको जो कहा बनने को पर्वत बन गया नदी बन गया पेड़ बन गया पशु बन गया पक्षी बन गया मनुष्य बन गया स्त्री बन गई जो उसने कहा अब फिर यहाँ प्रश्न है कि ईश्वर को इच्छा भी हो सकती है अगर वो ईश्वर है निराकार है उसको कोई देख नहीं सकता उसका कोई रूप आकार नहीं है तो वो मनुष्य तो नहीं है और मनुष्य नहीं है तो इच्छा कैसे हो गई और अगर ईश्वर को भी इच्छा हो सकती है फिर हम तो जितनी चाहें इच्छा करें तो इच्छा की बात समझ में नहीं आई प्रश्न तो इतने प्रश्न उठे कि उस प्रश्न के उत्तर ढूंढते-ढूंढते लोगों ने आखिर इसको पेशा बना लिया कुछ लोग बीच में से निकले क्योंकि तो शिक्षा जो थी वो जब शुरू हो गई भाषा बन गई शब्द बन गए लिखना शुरू हो गया तो फिर जो लोग लिख रहे थे उन्होंने उसको बहुत सीमित रखा गुरुकुल बहुत थोड़े थे और गुरुकुल में हर एक को प्रवेश नहीं मिलता था पहले तो ये कि उच्च कास्ट को ही मिलेगा नीच को मिलेगा ही नहीं वैश्य को नहीं मिलता था शूद्र को नहीं मिलता था ब्राह्मण क्षत्रियों को मिलता था अब उनमें से भी चुने हुओं को मिलता था और उन चुने हुए ब्राह्मणों में से जिनको ये ज्ञान मिलता था जो उन्होंने किताबों में लिख रखा था शास्त्र जिसको कहते हैं शास्त्रों में लिख रखा था वो उसको पेशा बना कर बैठ गए वो बताने लगे कि क्या हो रहा है उन्होंने बताया कि तीन माल ईश्वर हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा प... पैदा करता है विष्णु पालता है शिव मारता है और तो तीनों को शांत रखो प्रसन्न करो और उनको प्रसन्न करने लगे अब उनका भी कोई रूप आकार सामने नहीं था तो जब रूप आकार सामने नहीं है तो उसकी कल्पना कौन करेगा संभव ही नहीं है जो चीज तुमने देखी ही नहीं कभी जीवन में उसकी कल्पना कैसे करोगे तो वो मुश्किल हो गया तो उन्होंने कहा कि सृष्टि को बचाने के लिए इनमें से एक देवता एक ऐसा भगवान है जो जन्म लेता है विष्णु को बता दिया जन्म लेने वाला अब उनके अवतार शुरू हो गए फिर अवतारों के प्रति आस्था बन गई फिर अवतारों की पूजा होने लगी फिर अवतारों को रूप दिया जाने लगा कृष्ण रूप दिया राम रूप दिया बुद्ध रूप दिया कल्कि रूप दिया जो भी बराह रूप दिया नरसिंह रूप दिया कि रूप दिए जाने लगे ये रूप सब कल्पना थे देखा नहीं था अगर दशरथ के घर में जो व्यक्ति पैदा हुआ था ज्येष्ठ पुत्र अगर वो अवतार था विष्णु का तो उसको जिसने उस समय देखा होगा उसने चित्र नहीं बनाया था चित्र और मूर्तियाँ तो आज बन रही हैं केवल धनुषवान देख ही हम राम कह देते हैं केवल मोर मुकुट देख कर ही या बांसुरी हाथ में देख कर ही हम कृष्ण कह देते हैं कृष्ण को तो किसी ने नहीं, नहीं देखा और वेदों में शास्त्रों में उपनिषदों में कहीं भी कृष्ण वो कृष्ण नहीं है जो माखन चुरा रहा है गऊवें चरा रहा है अपना राक्षसों को मार रहा है गोपियों के साथ रास रचा रहा है ये कृष्ण कहीं नहीं है और दशरथ का बेटा राम भी कहीं नहीं है न किसी वेद में न किसी उपनिषद में ये छठी सदी ईस्वी के बाद शुरू हुआ इनको देवत्व प्रदान करना और मैं समझता हूँ स्वार्थी लोगों ने किया जिनका स्वार्थ था मूर्ति बना ली अब मूर्ति को रखने की जगह बनाओ जिसको मंदिर कहा गया और उस मंदिर में लोग आएँ पैसा चढ़ाएँ खाने पीने का सामान लाएँ पुजारी के लिए दें और धीरे धीरे एक क्लास बन गई पुजारियों की तो आस्था इस प्रकार से चलते 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 अंत में वहीं पहुंच गई जहां से मैंने अपनी बात शुरू की थी अंधविश्वास अंधी आस्था किसी ने ब्रह्म को नहीं देखा और जब तुम किसी देवी देवता को ईश्वर कहते हो तो तुम अपनी नासमझी का सबूत देते हो ईश्वर शब्द जो है ये दो शब्दों के मिलने से बना है ईश और वर ईश कहते हैं मालिक को स्वामी को और वर कहते हैं सीनियर को तो जब तुम ईश्वर कहते हो तुम सीनियर मोस्ट गॉड की बात करते हो ये जूनियर गॉड्स हैं अगर तुम इनको गॉड्स भी मान लो ये जूनियर गॉड्स हैं तुम ईश्वर कहकर उस परम ब्रह्म की बात करते हो जो सबसे बड़ा ईश्वर है सबसे अंतिम ईश्वर है सुप्रीम है और जब तुम परमात्मा कहते हो तब भी ये सब तो आत्माएं हैं देवी देवता तो आत्माएं हैं देवी देवता जिनको तुम कह रहे हो तो मनुष्य बनकर धरती पर आए थे ये आत्माएं हैं तुम तो परम आत्मा की बात कर रहे हो सब मंत्री अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन प्रधानमंत्री तो एक ही होता है ना? तो प्रधान आत्मा तो वही है जिसको परम आत्मा कहते हैं तुम बाकी आत्माओं के पीछे लग गए बाकी आत्माएं क्या करेंगी तुम्हारा लक्ष्य तो बाकी आत्मा में से कोई एक बन गया उसके आगे तुम गए नहीं फिर कुछ ऐसे शास्त्र बन गए जिन शास्त्रों ने इंसान को दूसरी तरफ सोचने ही नहीं दिया जैसे श्रीमद् भागवत वो कृष्ण का ऐसा लुभावना चित्र प्रस्तुत किया फिर सूरदास का सारा सूरसागर, सागर अब कृष्ण जो हैं वो सूरदास के कृष्ण जो हैं वो भगवान दिखते ही नहीं हैं उनकी उसकी कविता पढ़कर सूरदास की हमें ऐसा लगता है जैसे हम अपना बचपन अपना लड़कपन एन्जॉय कर रहे हैं अब एक उदाहरण दे देता हूँ तुम्हें पहली बार जब कृष्ण राधा से मिलते हैं तो देखते हैं राधा को तो उससे पूछते हैं कहाँ की है तू कहाँ की रहने वाली है और यहाँ तो कभी देखा नहीं तुम्हें तो वो जवाब देती है काहे को हम ब्रज तनियावत खेलत रहता अपनी पौरी पहली लाइन है बूझत श्याम कौन तू गोरी शाम पूछ रहे हैं गोरी तू है कौन कहाँ रहती काकी है बेटी देखी नहीं कहूँ ब्रज की खोरी ब्रज की गलियों में कभी देखा नहीं तुम्हें तो वो कहती है काहे को हम ब्रज तनी आवत खेलत रहता अपनी पौरी अपने घर पे खेलते हैं यहाँ क्यों आएंगे सुनत रहती कानन नंग चंद ढोटा नंद का बेटा करत फिरत माखन दही चोरी सुनते हैं नंद का बेटा है कोई यहाँ वो माखन दही चुराता फिरता है तो कृष्ण कृष्ण कहते हैं तुम्हारा कहा चोरी हम लई हैं तुम्हारा क्या चुरा लेंगे खेलत मिलो संग खेलत चलो संग मिली जोड़ी आओ जोड़ी बनाकर खेलते हैं अब सूरदास क्या करें सूरदास प्रभु रसिक शर्ण आशिक हैं बहुत बड़े आशिक हैं श्रिलोमी बातन भूरी राज का भूरी भोली भाली का को बातों में फंसा लिया अब इसमें भगवान वाला कोई बात तो है अध्यात्म की कोई बात नहीं है और कृष्ण और राधा को जो पाठक है जो श्रोता है वो अपने और किसी लड़की की कल्पना करके उसका रस ले लेता है तो ये जब इस प्रकार से होने लगा धर्म के नाम पर धार्मिक मठों में सूरदास तो रहते श्रीनाथ के मंदिर में थे वो साधु ही थे तो जब साधु इस प्रकार से करने लगे तो फिर लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए कि कृष्ण तो बड़ा मनमोहक है इसकी पूजा कर लो है ना तो राम तो बड़ा आदर्श है इसकी पूजा कर लो तो वो जो चल पड़ा तो आस्था के रूप बदलते रहे और अंत में आकर आस्था कट्टरता में बदल गई वो चाहे इस्लाम की आस्था हो चाहे क्रिश्चियनिटी की आस्था हो चाहे हिंदू धर्म की आस्था हो चाहे बुद्ध धर्म की आस्था हो बुद्ध जो अहिंसा का पाठ देता है बुद्ध के यहाँ भी तो युद्ध हुए हैं धर्म के नाम पर और बुद्ध ने तो मूर्ति पूजा से मना किया था लोगों ने बुद्ध की मूर्तियां जगह जगह बना के रख दी सिख गुरुओं ने मना किया था मूर्ति पूजा से सिख गुरुओं की मूर्तियाँ फोटो घरों में लगी हुई हैं तो ये जो कट्टरता बढ़ती गई आस्था जो है वो धर्मान धर्म जो था वो धर्मांधता में बदलता चला गया धर्म तो सारी दुनिया का एक है प्रकृति का नियम है जो चीज़ जहाँ से पैदा हुई उसको वहीं जाना है ये प्रकृति का नियम है पानी पाताल से पैदा होता है तुम कहीं मर्जी गिरा दो पानी नीचे को जाएगा आग सूर्य से पैदा हुई है तुम कहीं जला लो आग ऊपर को जाएगी नीचे को जाएगी नहीं इसी प्रकार आत्मा जो ब्रह्म से टूटकर ब्रह्म का अंश थी ब्रह्म से टूटकर तुम्हारे शरीर में आई है उसको भी वहीं जाना है क्योंकि हर चीज अपने मूल को जाती है तो फिर आत्मा भी अपने मूल को जा रही है शरीर भी अपने मूल को जाता है पांच तत्वों का बना है ना हवा अग्नि पा, पानी मिट्टी आकाश तो चिता में जलकर वहीं तो जाता है सारा पांचों तत्व तो पांचों में मिल जाते हैं शरीर भी अपने मूल को जाता है आत्मा भी अपने मूल को जाना चाहती है अब उसकी पुकार जो सुन लेता है वो जागृत है जो नहीं सुनता है वो अंधविश्वास में धार्मिकता के जाल में फंसा रहता है वो कहीं का नहीं है मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा हूँ तुम मंदिर मत जाओ मूर्ति मत देखो पूजा मत करो जो मर्जी करो वो करते रहो <coughs> लेकिन एक बात समझ लो कि तुम्हारा लक्ष्य मंदिर जाना नहीं है तुम्हारा लक्ष्य मूर्ति पूजा नहीं है तुम्हारा लक्ष्य अंधविश्वास नहीं है तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है अपनी आत्मा को परम आत्मा में मिलाना है और मिलाकर उसे संवाद करना है संवाद कैसे हो सकता है एक विदेशी आया हुआ है वो तुम्हारी भाषा नहीं जानता तुम उसकी भाषा नहीं जानते संवाद कभी हो ही नहीं सकता संवाद के लिए ज़रूरी है कि दोनों में से किसी एक को दूसरे की भाषा आती हो ईश्वर की भाषा मौन है तुम मौन की भाषा सीखते ही नहीं हो मौन की भाषा मुंह बंद करने का नाम नहीं है मौन की भाषा अंदर चुप होने का नाम है वो तो चुप तुम हो नहीं रहे हो मौन अपना नहीं रहे हो मौन अपना लो तो तुम्हारे अंदर का शून्य खुल जाएगा <coughs> तुम्हारे अंदर शून्य है वैक्यूम है खला है वो खुलेगा और क्योंकि इस शून्य ने उस महाशून्य से मिलना है ईश्वर क्या है महाशून्य है उसको मिलना है तो शून्य बनना होगा और जिन लोगों ने ईश्वर का साक्षात किया है उसके दर्शन किए हैं वो जानते हैं कि ईश्वर केवल प्रकाश रूप में देखा जा सकता है और किसी रूप में नहीं अब फिर वही बात प्रकाश रूप में देखना है तो तुम्हें प्रकाश बनना होगा बन सकते हो तुम्हारी आत्मा वायवी है एरियल है इसको लाइट में कन्वर्ट कर सकते हो प्रकाश बना सकते हो उसकी विधि ध्यान है ध्यान से तुम्हारी आत्मा वायवी से प्रकाश बनेगी प्रकाश प्रकाश से मिल सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मौन सीख लो मौन व्याप्त हो जाए तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंदर का शून्य खुल जाए तो शून्य ने शून्य से मिलना है और जब मौन आ जाएगा तुम्हारे पास तो उसकी भाषा मौन है वार्तालाप कर लेना तो ये एक रास्ता है मैं धर्मा धर्म की या धर्मांधता की या धर्मिता की छोटी लाइन को मिटाना नहीं चाहता मैं उसके बराबर एक बड़ी लाइन खींचना चाहता हूँ अध्यात्म की क्योंकि परम लक्ष्य प्रत्येक प्राणी का उसकी प्राप्ति है यहाँ यहाँ थमने वाला रुकने वाला वो नहीं है किसी देवी देवी देवता को प्रसन्न करने से उसका काम नहीं चलेगा उसे ब्रह्म तक पहुँचना है और ब्रह्म तक पहुँचने के लिए कभी पुजारी माध्यम बन गया कभी ऋषि माध्यम बन गया कभी आ, कोई ऋतिक माध्यम बन गया कहीं कोई और माध्यम बन गया मौलवी माध्यम बन गया प्रीस माध्यम बन गया पोप माध्यम बन गया ये माध्यम मत बनाओ बेकार हैं इनसे परे हटो क्योंकि ये इनकी दुकानदारी है ये तो उनका अपनी दुकान चला रहे हैं इनसे परे हटो और परे हट के अपने अंदर से ब्रह्म को ढूंढो क्योंकि उसका अंश तुम्हारे अंदर है जब तुमने अंश पकड़ लिया तो पूर्ण पकड़ना मुश्किल नहीं है मुश्किल अंश पकड़ना है बस एक बार अपना आत्मदर्शन कर लो एक बार आत्मज्ञान प्राप्त कर लो तो फिर ब्रह्म ज्ञान तो अपने आप उतरता चला आएगा ये तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए लक्ष्य होना चाहिए